हेलो एंड वेलकम 3060 90 प्रोडक्शन में आप सभी का स्वागत है। वेल आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा था। लास्ट वीडियो वाज ऑल अबाउट 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज इन इंडिया। अगर आपने वो नहीं देखा, वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो एंड वॉच इट, हाईली रिकमेंडेड। इन दिस वीडियो मैं बात करने वाला हूँ ऑन 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टार्टअप बिजनेसेस इन इंडिया। वेल स्टार्टअप, मैं देखता हूँ हमारे देश में जब मैं लोगों को पूछता हूँ कि What is your business all about? तो लोग कहते हैं it's a startup। मतलब लोगों ने जैसे एक business start किया या setup start किया या एक छोटा गाला start किया तो उसे कहते हैं startup। But that is not the definition of startup। Startup होता है invention packed with innovation and creativity। अगर एक business आपने खुद से invent किया हो जहाँ पे उसका demand बहुत ज़्यादा है और supply कम है and you're the only one in it, That is a startup business and you will be awarded for a startup. और startup में लगता है patience and a lot of mental ability, strength and persistence. Well, my dear friends, अगर आपके mind में एक thought है, एक creative led idea है, so you have to watch this video till the end because मैं इस video में आपको बताने वाला हूँ top 5 most profitable startup business ideas in our country. Requesting you to share this video and watch this video till the end, कोई भी part तो skip ना करे. So let's start the video. So now let's start this journey with the top 5 most profitable startup business ideas in India. Well, हम descending order से जाने वाले हैं और 5th position में हमारे list में rank करता है real estate tech. Yes, my dear friends. फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, अगर आप देखने जाए ये जो तीन चीज़ें हैं इज अ बेसिक नीड ऑफ अ मैन। हमने शेल्टर पिक किया है हमारे 5th कैटेगरी में। इट इज़ अ नीड ऑफ एवरी ह्यूमन बींग, मकान सभी को चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें रियल एस्टेट बिजनेस में ब्रोकिंग जो है, जो ब्रोकर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं चैनल पार्टनर्स, काफ़ी ट्रेडिशनल वे में वर्क करते हैं। अगर यहाँ पे आपने थोड़ा कुछ डिफरेंट स्टार्ट किया तो ट्रस्ट मी इट विल बी अ बूम। एक आइडिया मैं आपको देने वाला हूँ, ओके, इफ यू आर इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, रियल एस्टेट सेगमेंट। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो एट द एंड ऑफ द आइडिया आई वॉन्ट यू टू लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज वेल। कमेंट कीजिए वॉट यू कैन इम्प्रूव इन दिस आइडिया। ये मेरा आइडिया, ये हमारा एक टेक है, आप इसे सुधार सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो और क्या पता किसी चैनल पार्टनर, ब्रोकर या एक रियल एस्टेट हॉन्चो को हेल्प करे। ओके, आप एक ऐसे मार्केट प्लेस को डिजाइन कर सकते हो। इस मार्केट प्लेस में आप सभी एग्रीगेटर्स को यहाँ पे ला सकते हो, जैसे बिल्डर्स को अपने लाया, कंज्यूमर्स को अपने लाया। ओके, तो यहाँ पे आपने ब्रोकर का रोल प्ले किया, सो यू हैव कंज्यूमर्स इंटरेक्टिंग विद द बिल्डर्स। बट एक कंज्यूमर घर खरीदने के बाद क्या वो घर ऐसे ही रहेगा? नहीं, ही विल नीड आर्किटेक्ट, ही विल नीड इंटीरियर डिजाइनर्स। आप ये सभी को यहाँ पे ला सकते हो। घर खरीदने के पहले ही नीड्स लोन्स। आप बैंक्स को ही नहीं, NBFCs को भी आपके प्लेटफॉर्म पे ला सकते हो। हर एक छोटे 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 जो कि वॉल्यूम हुए लोगों को ला सकते हो। प्लम्बर्स हुआ, कारपेंटर्स हुआ, इतने सारे चीज़ें, इतने सारे लोग हैं, आप एक मार्केट प्लेस में ला सकते हो। अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई ऐसा मार्केट प्लेस रियल एस्टेट के इंडस्ट्री में नहीं देखा। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, रियल एस्टेट बाई 2030 विल बी $1 trillion इंडस्ट्री इन आर कंट्री। और अभी एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय जेनरेशन रियल एस्टेट में होता है। 13% ऑफ रेवेन्यू जेनरेशन टू अ GDP कम्स फ्रॉम रियल एस्टेट। एंड माई डियर फ्रेंड्स, रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो कि बूमिंग है, डे बाई डे, ईयर ऑन ईयर बूमिंग है, क्योंकि लोगों का जो नीड्स है, एक छोटे से घर से उनको एक बड़ा घर चाहिए और बड़ा घर चाहिए, लैंड चाहिए। अगर आप ये सब एक मार्केट प्लेस में ला सकते हो, आई एम श्योर दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप्स इन आर कंट्री। 4th मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टार्टअप बिजनेस आइडिया इन इंडिया में कवर हमने किया है और हमें ऐसा लगता है विल ग्रो ईयर ऑन ईयर इज क्लाउड किचन। यस माई डियर फ्रेंड्स, क्लाउड किचन एक नया हाइब्रिड मॉडल है जो रेस्टोरेंट्स को भी सरपास कर रहा है। अगर आप में कुकिंग का पैशन है, आपको ऐसा लगता है कि आई कुक रियली वेरी वेल फॉर माई फैमिली, आई कुक वेरी वेल फॉर माई फ्रेंड्स, फॉर माई रिलेटिव्स, इफ यू थिंक दैट यू आर अ ग्रेट कुक एंड पीपल अप्रिशिएट यू फॉर योर कुकिंग स्टाइल, जस्ट कुक अ लिटिल मोर एंड शेयर इट विद पीपल। वैन यू शेयर इट विद पीपल, वॉट यू गेट इन रिटर्न इज रेवेन्यूज फॉर इट एंड अ लॉट ऑफ प्रेजेस। ओनली वन थिंग यू हैव टू कीप इन द माइंड, इसमें आपको एक चीज याद रखना है, वो है कंसिस्टेंसी। हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स के बारे में, तो आपने फॉर एग्जाम्पल बिरयानी बनाया या पराठा बनाया जो नॉर्मली है, देन दिस इज नॉट अ स्टार्टअप। यू हैव टू इन्वेंट समथिंग डिफरेंट, एंड वेन यू इन्वेंट समथिंग डिफरेंट विद इनोवेशन, अ लिटिल तड़का एंड मस्का,
ट्रस्ट मी, योर क्लाउड किचन आइडिया विल बूम अक्रॉस योर एरिया. Soon it will boom across the area and the surrounding areas and boom all across the state and national level, and you will become a brand of our country. Nothing stops you from being the best brand in our country. But yaad rakhiye, cloud kitchen mein jo bhi aap kaam karne wale ho, sabse pehle agar aap already an existing cloud kitchen owner ho, you're doing well, focus on one product. Package it very well, but if you're starting something, एक नया अगर आपको एक idea start करके cloud kitchen venture open करना है, make sure you work on a very different product. उसके packaging पे ध्यान रखना, because when the food comes home, the first thing the consumer looks at is the packaging, and then they open it, then they start eating it. So focus on the packaging, and then obviously nothing beats the food. In fact, मैं एक example देने वाला हूँ. मैंने एक जगह से food order किया, मुझे इतना पसंद आया कि मैंने I almost repeated food from that place 15 times. फिर क्यूरियोसिटी से मैं खुद वो जगह पे गया, मैंने देखा एक छोटे से जगह पे सिर्फ तीन ही लोग हैं वहाँ पे, शेफ को भी खड़ा रहने का जगह नहीं है वहाँ पे, मतलब ओनर को भी खड़ा रहने का जगह नहीं है, बट दे आर ऑपरेटिंग सो मच ऑफ वॉल्यूम्स एंड आई कुड सी द ग्रोथ. क्लाउड किचन इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, इट इज अ न्यू हाइब्रिड मॉडल, इट्स कवर्ड इन मीडिया ऑल अक्रॉस, पीपल आर स्टार्टिंग इट. इन्वेस्टमेंट टिप, वेल आप 1 लाख से 2 लाख में भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम योर किचन. You can then grow slowly and steadily, but you can start from your home, and if you're already an established cloud kitchen owner, then we wish you all the best. Just keep growing and just focus on a lot of marketing and promotions. The more you market your brand, the more you promote your brand, you will be victorious. Is pe aur thoda investment lagega on marketing and promotions for people to know you exist, and then tie ups with different apps like Zomato, Swiggy and XYZ, and you will definitely be a dream startup of our country. The third most profitable startup business in India is clothing manufacturing. Well my dear friends, humne shelter cover kiya, food cover kiya, how can we miss out clothing? 3 basic needs, and clothing is a need for everyone. In fact, मैं आपको एक fact बताऊँ, यहाँ पे एक stat बताऊँ. हमने 13% import China से ban किया. पहले बहुत सारे clothing China से आते थे यहाँ पे, and now we have banned almost 13% of it, which is a very good news for all of us in the country and all our people out here. This is a great opportunity for you to enter this industry in clothing, because Indian clothing is always known for superior quality and superior fit. इस industry में लोग यही कहेंगे कि my clothing gives you the best fit. And my dear friends, हमने और एक analysis किया है, जैसे ये Big Billion Days हुआ, Flipkart में, Amazon में हुआ, सबसे ज़्यादा selling जो हुआ है वो clothing में सबसे ज़्यादा selling हुआ है. So clothing is a massive industry and people always want to look good, fresh and want a new segment of clothing that will come inside, जो कि नया trend चाहिए. You look at men's clothing अलग हुआ, women's clothing अलग हुआ, youth को देखे youth clothing अलग हुआ, kids को देखे kid clothing अलग हुआ. इतने सारे sections हैं इसमें, अलग-अलग clothing के आप sections देखोगे, and definitely this market is on a rise. इसमें आप innovation कैसे लाओगे, invent कैसे करोगे वो product को, package कैसे करोगे, is all up to your ability. But clothing industry will surpass the maximum ranks in our country. And my dear friends, इसमें अगर आप investment देखोगे, इसमें minimum bare investment अगर आप एक factory या एक setup डालोगे, वो होगा 15 lakhs to 20 lakhs. हम ये advise नहीं करेंगे आपको. We advise you to first work with a manufacturer जो already established है, to be a probably distributor to them, and you can start a small setup. मतलब आप एक छोटा गाला ले सकते हो, वहीं से आप start कर सकते हो, छोटा machine डाल सकते हो, and see what clothing fits best. Your idea is something that should sell. It is not कि आप एक क्लोथ बना रहे हो और आप प्राइजिंग पे खेल रहे हो. प्राइजिंग yes matters a lot, but you should also have an idea. मैं एक example दूंगा आपको. बहुत सारे brands हैं जो recycle clothes के साथ, जैसे recycle old clothes है उसका वो नया एक shirt या t-shirt बना रहे हैं, and now that they are doing is a fantastic idea. और एक brand का मैं यहाँ पे नाम लेना चाहता हूँ, that is the Sold Store. Sold Store ने पूरा अपना जो मार्केटिंग कैंपेन है जो क्लोथ्स पे है वो मार्वल पे रखा, एंड लेजेंडरी कॉमिक हीरोज पे रखा, सुपर हीरोज. दे हैव ऑल सुपर हीरोज प्रिंटेड ऑन देयर शर्ट्स. नाउ फ्रॉम शर्ट्स दे हैव मूव टू शूज, एंड दे आर गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, एंड दे आर नाउ अ $23 million US कंपनी. एंड ट्रस्ट मी,
दिस इज द पावर एंड पोटेंशियल ऑफ क्लोथिंग बिकॉज एवरीबडी नीड्स द परफेक्ट फिट, एवरीबडी नीड्स दैट सुपीरियर क्वालिटी. सो क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू बूम इन आवर कंट्री एंड दिस बिकम्स नंबर 3 ऑन आवर लिस्ट. सेकेंड मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टार्टअप बिजनेस आइडिया में रैंक करता है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट. माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द ट्रेंड ऑफ आईटी, दिस इज द रेवोल्यूशन ऑफ द आईटी. इंडियन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आई मस्ट से इंडियन टेक्नोलॉजी इज एट इट्स पीक. पैंडेमिक से हमने देखा है बहुत सारे ऐप्स लॉन्च हुए हैं हमारे मार्केट में. मतलब ऐप्स सभी को लगता है अभी, वेदर यू आर अ सीनियर सिटीजन या वेदर यू आर अ किड, एवरीवन यूजेस एन ऐप. फूड ऑर्डर करो या पैसे भी कैश में कोई लोग नहीं लेते, बोलते पेटीएम कर दो, गूगल पे. ऐप इज यूज एवरीवेयर एंड ऐप पर ये ट्रेंड हमने देखा है इज ओनली जस्ट ग्रोइंग. सोन अगर हम आगे देखने जाए तो यू नो एवरी स्टोर, एक मतलब एक छोटा किराना का दुकान हो या छोटा सेटअप वाला भी हो, उसे भी ऐप लगेगा. सो एवरी वन नीड्स ऐप और ऐप जो है कभी सस्ता नहीं बनता है. ऐप ऑलवेज हैपन्स एट अ वेरी हाई कॉस्ट. बहुत सारे चीज़ें जाते हैं इसमें, कोडिंग, द लैंग्वेज, द सेटअप और बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली. अगर आप एक टेक हो, यू लव व्हाट टेक इज ऑल अबाउट, देन आई थिंक एंटरिंग द आईटी स्पेस एंड एंटरिंग मोबाइल ऐप डेवलपमेंट विल बी अ बिग बूम. बिकॉज वेबसाइट ऑलमोस्ट अगर हम देखें अभी इज लाइक गेटिंग आउटडेटेड. वॉट इज कमिंग क्विक नाउ इज ऐप. पीपल वॉन्ट थिंग्स एट द टिप ऑफ योर फिंगर, दे वॉन्ट यूजर इंटरफेस स्मूथ. iOS का अलग ऐप है, Android का अलग ऐप है. सो यू कैन एक्चुअली गेट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन द ऐप स्पेस हियर. When we are now in advertising, हमको हमने जो stats देखा है, international से बहुत सारे business national पे आ रहे हैं for app developers and app developers are really loving it. Now if you are a single entrepreneur, आप एक single solo entrepreneur हो, दूसरे app developers के साथ club करके you know you can actually start giving service to a client and then you can start clubbing with many more people and you can then form a company. But app development is definitely ranking high in our country and soon app development is also going to hit the artificial intelligence system, AI which we call, and this is only going to grow and grow and grow because technology will connect people. Pandemic ho ya kuch bhi ho, I am sure mobile app development will be the next big thing. There will be a time soon if I have to connect with my neighbor also, I need an app. So app is growing up there and definitely mobile app development is a business that you should venture and you should learn about if you are in the technology space. Well my dear friends, फर्स्ट पॉइंट पे जो हमारे लिस्ट पे टॉप करता है इन द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टार्टअप बिजनेस इन आवर कंट्री, उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, दैट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल, 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज इन इंडिया, नहीं देखा तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच इट एंड शेयर दैट वीडियो एज वेल एज शेयर दिस वीडियो विद अ लॉट ऑफ पीपल. अगर आपको आपकी लाइफ में लर्निंग हो रहा है, ऑल वी रिक्वेस्ट यू टू डू इज लाइक द वीडियो, थम्स अप द वीडियो एंड ड्रॉप अ कमेंट एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड ट्रस्ट मी, बिकॉज वी आर हियर टू एडुकेट एंड टीच यू एंड यू माई डियर फ्रेंड्स, गिव अस द पावर सो दैट वी कैन लर्न मोर फ्रॉम यू. एंड माई डियर फ्रेंड्स, विद दिस वी आर स्प्रेडिंग अ लॉट ऑफ स्माइल्स एंड लव. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री दैट टॉप्स द चार्ट, it's a very unique industry, a beautiful industry. This is the toy manufacturing. Well my dear friends, India ka population jo hai wo hai 100% population mein 28%, 28 jo percentage hai wo kids ka hai. 28% of the population belongs to the children and with which you see toys are all across. When you go to the market you will see toy on your right, your left, but this video is about startup. Now here it is your ability, innovation and invention to bring a new toy out in the market. The minute you get a new toy out in the market which will help the kid learn and develop the kid's skills, trust me that toy will boom across to all the other children. And who will boom the toy to all the other kids? The parents. So parents jo hai aapka target audience hai. That toy needs to have a learning ability because every parent communicates with the child with a toy and the child loves toy. If you remove the toy from a child's hand, the child starts crying. Toy ka itna power hai
कि इट कैन मेक अ चाइल्ड्स करियर, इट कैन ब्रेक अ चाइल्ड्स करियर. अ चाइल्ड जो है कि ईगो पे आ जाता है, चाइल्ड क्राइज, देयर इज नो टॉय गिवन. बट नाउ इफ यू गिव द चाइल्ड अ लर्निंग टॉय, द पेरेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी. एंड वॉट बेटर देन आवर कंट्री वेयर वी हैव सो मेनी सब्जेक्ट बेस्ड अगर अपने टॉय इन्वेंट किया तो ट्रस्ट मी लेडीज एंड जेंटलमैन, nobody can stop you from being the biggest hit in our country. And your demand India में नहीं होगा, international भी होगा. सिर्फ उसे proper packaging और marketing कीजिए and nobody will stop you from being the biggest toy manufacturer of our country. बड़े बड़े brands हमने सुने हैं जैसे Hamleys, Oa, बहुत Barbies. Trust me, अगर आपने एक learning toy invent किया, you will be the superstar. But इसके पीछे जो mechanism है और इसके पीछे जो इन्वेस्टमेंट है वो समवेयर आपको लगेगा फ्रॉम 8 lakh to 10 lakh. यू कैन स्टार्ट दिस फ्रॉम योर होम इन डेवलपिंग अ टॉय एंड चेक आउट द चाइल्ड रिएक्शन. इफ द चाइल्ड रियली लाइक्स इट एंड ज़्यादा वो इंटरेक्ट कर रहे हैं टॉय से, दिस इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ योर्स विल ड्राइव, बट रेवेन्यू भी आना चालू करेगा एंड दिस विल डेफिनेटली गिव यू अ लॉन्ग टर्म रिटर्न, नॉट फॉर यू your generation but for the next coming generation also, if they keep up to your standards. Just keep making the standards better and better, keep launching more new toys. 28% of population bachchon ka hai. In this, if you cater to this market, nothing can stop you from being the business, best business entrepreneur of our country. Well, my dear friends, viewers, I hope you liked our video, all the 5 most profitable startup businesses in India, and we wish you all the best. You take this journey to the next level or is video ko share kijiyega and make sure you comment on the video and let us know aapko next video kya chahiye and we will make the video on that topic. Until we meet again, ladies and gentlemen, spread the love, spread business.